Hello friends. So friends, today we are going to see chapter number 3 of 4th standard science. So the name of our chapter 3 is Human Body, the Digestive and Excretory System. So, हमारे third chapter का नाम क्या है? Human Body, the Digestive and Excretory System. So इस lesson में हम हमारे body का digestive system एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी में वर्क कैसे करता है। सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन, ये सबसे फर्स्ट प्रोसेस है। और न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फूड को इन करते हैं, यानी कि हम फूड को खाते हैं एंड उस फूड को हम ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए यूज करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए हम फूड का यूज करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। द ऑर्गन सिस्टम That performs this function is called the digestive system. अब देखो nutrition तो पता चल गया कि food जो हम खाते हैं, जो हम eat करते हैं, वो हमें growth and repair करने के लिए useful है, right? So एक ऐसा organ system जो nutrition perform करता है, उसे हम कहते हैं digestive system. ऐसा system जो nutrition perform करता है, उसे हम कहते हैं digestive system. There are various organs that work together and break down the food into simpler form so that it can be easily taken in or absorbed by the body. So, देखो, there are various organs. Okay? So, ऐसे बहुत सारे organs हैं जो एक साथ काम करते हैं. ऐसे बहुत सारे organs हैं जो एक साथ काम करते हैं food को break down करने के लिए into सिंपलर, यानी कि फूड को एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन तोड़ने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ वर्क करते हैं, जिसके कारण जो फूड है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी से। ओके, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स इस फूड को बहुत सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसके कारण जो बॉडी है वो उसे इजीली अंदर ले सकती है, यानी कि इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। सो देखो, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। सो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन ये अलग है। देखो, न्यूट्रिशन मतलब जो फूड है उसे ग्रोथ एंड रिपेयर करने के लिए यूज करना, और ऐसा ऑर्गन सिस्टम जो न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। एंड जो डिफरेंट ऑर्गन्स से जो फूड को एकदम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम डाइजेशन। अब प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी लॉन्ग प्रोसेस क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैज मेनी स्टेजेस एंड मेनी ऑर्गन्स वर्क टूगेदर टू कम्प्लीट दिस प्रोसेस। सो देखो, डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे स्टेजेस है, यानी कि बहुत सारे स्टेप्स है, और ये बहुत सारे स्टेप्स, ये इनको कम्प्लीट करने के लिए, बहुत सारे स्टेजेस, बहुत सारे प्रोसेस को कम्प्लीट करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन, यानी कि बहुत मेनी ऑर्गन ये एक साथ काम करते हैं डाइजेशन प्रोसेस कम्प्लीट करने के लिए। ओके, सो जो डाइजेशन प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दिस ऑर्गन। सो चलिए हम देखते हैं कि डाइजेशन परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स क्या क्या रोल परफॉर्म करते हैं। सो सबसे पहले है माउथ। तो सबसे पहले ऑर्गन क्या है? माउथ, जो डाइजेशन परफॉर्म करता है। सो देखिए, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस हियर। तो डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड परफॉर्म्स इंजेशन। सो देखो,
सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है डाइजेशन का? माउथ है, एंड माउथ ये फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का। एलिमेंट्री कैनल यानी कि ये देखो, ये ट्यूबुलर पैसेज है जो माउथ से स्टार्ट होता है टिल एनस, यानी कि ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पूरा पार्ट यानी कि माउथ से शुरू होकर एनस तक, ये पूरा पार्ट को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनल, जिससे फूड डाइजेस्ट होता है, जिस जो ये एलिमेंट्री कैनल है वो डाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है। सो डाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हमें एलिमेंट्री कैनल की जरूरत है, और एलिमेंट्री कैनल का जो फर्स्ट ऑर्गन है वो है माउथ। नाउ माउथ कंटेन्स टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। सो माउथ देखिए, माउथ में टंग होती है, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड ये सलाइवा प्रोड्यूस करती है। सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है? सलाइवा। ओके, टीथ ब्रेक द फूड इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स। यस, ये तो हमें पता ही है, जो हमने सेकेंड लेसन में स्टडी किया ह्यूमन बॉडी द टीथ में, कि जो फोर टाइप्स ऑफ टीथ है वो हमें हेल्प करते हैं फूड को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने के लिए। द चीव्ड फूड इज मिक्सड विथ सलाइवा, अ वाटरी फ्लूइड सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। तो देखो, टीथ क्या करती है? टीथ फूड को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती है, डिवाइड करती है, और ये जो चीव्ड फूड है यानी कि ये जो चबाया हुआ खाना है, ये सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। सलाइवा यानी कि एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है जो सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। सो सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होना होने वाला फ्लूइड को हम क्या कहेंगे? सलाइवा, राइट? सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस हुआ फ्लूइड उसे हम क्या कहेंगे? सलाइवा। सो द टीथ कट, टियर एंड ग्राइंड द फूड बिफोर वी स्वैलो इट। यस, तो टीथ की ड्यूटी क्या है? कि टीथ अच्छे से फूड को कट करे, फाड़े, टियर करे एंड उसे अच्छे से ग्राइंड करे, यानी कि बहुत 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 ही छोटे छोटे पीसेस में टीथ को हमारे फूड को कट करना है, और बिफोर स्वैलो इट यानी कि हम निगलने से पहले उसे अच्छे से फूड को कट करना चाहिए, फूड को च्यू करना चाहिए, और ये ड्यूटी किसकी है? टीथ की। सो इस तरीके से माउथ परफॉर्म करता है। माउथ में टंग है, टीथ है, सलाइवरी ग्लैंड। टीथ की ड्यूटी क्या है? कि फूड को अच्छे से ग्राइंड करे, अच्छे से च्यू करना है, और सलाइवा ये फूड के साथ मिक्स हो जाता है। सो द टंग हेल्प्स मिक्स सलाइवा विद द फूड। सो टीथ की ड्यूटी पता चल गई। अब टंग क्या करता है? टंग ये सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करता है, सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू पुश द फूड डाउन द फूड पाइप। और टंग के हेल्प से हम जो फूड है उसे फूड पाइप में इजीली पास कर सकते हैं। टंग ऑल्सो गिव्स अस द सेंस ऑफ टेस्ट। यस, टंग से तो हमें फूड का टेस्ट समझ में आता है कि कौन सी चीज, कौन सा फूड ये स्वीट है, कौन मेडिसिन बिटर है, राइट? ये सारे टेस्ट हमें टंग से मिलते हैं। सो टंग के हेल्प से सलाइवा फूड के साथ मिक्स होता है। टंग ये फूड को पुश करता है फूड पाइप में, एंड टंग के हेल्प से हम किसी भी चीज का टेस्ट बता सकते हैं। सो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल विच इज माउथ। नाउ वी विल सी ओसोफेगस। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज ओसोफेगस। सो जो नेक्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का उसे हम कहते हैं ओसोफेगस। देखो, ओसोफेगस इट इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। सो देखो, हमने यहाँ बात की थी कि टंग ये फूड को फूड पाइप में पास करता है, और फूड पाइप को ही हम क्या कहेंगे? ओसोफेगस। ओसोफेगस सो इट कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक। सो जो ओसोफेगस है, देखिए ये तो माउथ हो गया, राइट? एंड ये सलाइवरी ग्लैंड जिससे सलाइवा प्रोड्यूस होता है, एंड ये होता है ओसोफेगस जिसे हम क्या कहते हैं? फूड पाइप। और ये ओसोफेगस माउथ को कनेक्ट करता है स्टमक से। ये ओसोफेगस क्या करता है? माउथ को कनेक्ट करता है स्टमक से।
The food travels through esophagus to enter the stomach. Yes, food को अगर stomach तक पहुंचना है तो उसे esophagus इस food pipe से जाना ही पड़ेगा. So food ये esophagus से travel करता है stomach तक पहुंचने के लिए. So esophagus की duty यहाँ पे हमें पता चल गई कि esophagus से food जो है वो stomach तक पहुंचता है. Now कहाँ पहुंचा food? Stomach तक. Now let's see the role of stomach. The food stays in the stomach for about 3 hours. जो food है वो stomach में 3 hours के लिए रहता है. Stomach produces digestive juices that digest the food. So देखो food ये stomach में 3 hours के लिए रहता है and जो stomach है वो एक digestive juice produce करता है. वो एक ऐसा जूस प्रोड्यूस करता है जिससे फूड डाइजेस्ट हो जाता है. जिससे फूड क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है. इसलिए उसे डाइजेस्टिव जूस कहते हैं जिसके हेल्प से फूड डाइजेस्ट हो जाता है. द डाइजेस्टिव जूसेस हैव एसिड दैट आल्सो किल्स द जर्म्स दैट माइट हैव कम अलोंग विद द फूड. सो देखो डाइजेस्टिव जूस ये एसिड होता है. डाइजेस्टिव जूस में एसिड भी होता है जिसके हेल्प से हम जो जर्म्स है जो कभी कभी फूड के साथ आ जाते हैं माउथ के अंदर स्टमक के अंदर तो उसे किल करने का काम डाइजेस्टिव जूसेस करती हैं. ओके सो देखो डाइजेस्टिव जूस का रोल क्या है कि डाइजेस्टिव जूस ये फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करती है एंड ऑल्सो डाइजेस्टिव जूस में एसिड होता है और ये एसिड जर्म्स को किल करने के लिए हेल्प करता है जो कभी कभी हमारे माउथ में या फिर फूड के साथ आ जाते हैं तो. ओके नाउ द नेक्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन इज लीवर. लीवर प्रोड्यूसेस बाइल. लीवर बाइल को प्रोड्यूस करता है बनाता है. इट रिमेन्स इन द गॉल ब्लैडर अंटिल नीडेड फॉर डाइजेशन बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो देखिए लीवर ये बाइल ये सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है और ये गाल ब्लैडर में रहने देता है. देखिए लीवर ये डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूस करता है और इस गाल ब्लैडर में उसे स्टोर करके रखता है और तब तक स्टोर करके रखता है जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन को उसकी जरूरत ना हो. ओके जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन को जरूरत होगी गाल ब्लैडर से वो जो बाइल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलता रहेगा. ओके सो लीवर भी हो गया. सो माउथ से हमने फूड लिया था इंजेशन किया था देन ओसोफेगस से उसको स्टमक में पहुंचाया देन स्टमक में वो फूड डाइजेस्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड आफ्टर दैट जो लीवर है वो बाइल प्रोड्यूस करता है एंड बाइल ये गाल ब्लैडर में स्टोर होता है और तब तक स्टोर होता है जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन को उसकी जरूरत ना हो. सो अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. फ्रॉम द स्टमक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. सो देखो स्टमक में जो फूड डाइजेस्ट हुआ था स्टमक में जो फूड डाइजेस्ट हुआ था और जो आधा डाइजेस्टेड जो आधा डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चला आता है. देखो स्टमक में तो फूड थोड़ा डाइजेस्ट हो गया तो जो आधा डाइजेस्टेड फूड है वो बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आता है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्ग एंड कॉइल्ड ट्यूब. तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा है? एक लॉन्ग है स्मॉल इंटेस्टाइन ये लॉन्ग एंड कॉइल्ड है यानी कैसे रैप किया हुआ है. देखिए कॉइल्ड देखो कैसे रैप किया हुआ है तो इसे कहते हैं कॉइल्ड यानी कि राउंड एंड राउंड ऐसे कह सकते हैं. सो थर्स्ट फूड पासेस वेरी स्लोली थ्रू इट. अभी देखो वो बहुत बड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वो राउंड एंड राउंड यानी कि कॉइल्ड है राइट. सो जिसके कारण फूड जो है वो एकदम धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होता है. बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एंड डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम पैनक्रियास पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो देखो बाइल जो लीवर से प्रोड्यूस हुआ है
राइट, हमने देखा कि बाइल ये लीवर से प्रोड्यूस हुआ है एंड कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो पैनक्रियाज से प्रोड्यूस हुए हैं, ये सारे पास होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। अभी फूड कहाँ चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को जरूरत है बाइल की। सो जो गाल ब्लैडर ने बाइल स्टोर करके रखा था, अब वो बाइल किसको देगा? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ दे देगा। सो बाइल एंड कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो पैनक्रियाज ने प्रोड्यूस किए थे, वो सारे चले गए स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। दिस जूसेस डाइजेस्ट द फूड कम्प्लीटली। अब देखो, पहले तो थोड़ा सा ही फूड डाइजेस्ट हुआ था स्टमक में, अब जो बाकी का फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिकॉज यहाँ बाइल भी है एंड और भी डाइजेस्टिव जूसेस है जो पैनक्रियाज ने प्रोड्यूस किए। सो इन सभी की हेल्प से, इन जूसेस की हेल्प से जो फूड है वो कम्प्लीटली पूरे अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो फूड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ है, ये फूड ब्लड एब्सॉर्ब कर लेता है। ये क्या करता है? ये जो फूड है वो ब्लड एब्सॉर्ब कर लेता है, यानी कि अपने अंदर ले लेता है। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन की तो ड्यूटी खत्म हो गई, उन्होंने पूरा जितना भी फूड था उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट कर लिया है, एंड जो ब्लड है उन्होंने भी इस डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब कर लिया है, राइट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड था उसे। ना लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज कोलॉन। तो देखो, लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलॉन भी कहते हैं। हियर द मिनरल्स एंड एक्स्ट्रा वाटर आर एब्सॉर्ब्ड बाय फूड। तो देखो, लार्ज इंटेस्टाइन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलॉन कहते हैं, एंड लार्ज इंटेस्टाइन में जो मिनरल्स है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, ये एब्सॉर्ब किया जाता है ब्लड से, यानी कि ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या लेता है? फूड लेता है, डाइजेस्टेड फूड, एंड लार्ज इंटेस्टाइन से लेता है मिनरल्स और जो एक्स्ट्रा वाटर है उससे। द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस इंटू लार्ज इंटेस्टाइन, और जो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ऐसा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ चला आता है। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब द वाटर टर्निंग इट इंटू अ पेस्ट विच इज स्टोर्ड इन द रेक्टम फॉर सम टाइम। तो देखो, लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब करता है वाटर को, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्सॉर्ब करता है जो थोड़ी ही देर में पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो पेस्ट है ये स्टोर हो जाती है रेक्टम में, ये जो पेस्ट है वो रेक्टम में स्टोर हो जाती है कुछ देर के लिए। इट इज देन सीक्रेटेड थ्रू द एनस एंड फीसेस, और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो लार्ज इंटेस्टाइन में था, एंड लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया, वाटर के साथ इसको मिक्स करके उसका एक पेस्ट बनाया जो रेक्टम में स्टोर हो चुका था, एंड बाद में ये एनस से सीक्रेट हो जाता है, यानी कि ये अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकल जाता है फीसेस के हेल्प से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेक्शन, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इजेक्शन। यानी कि देखो, हमने यहाँ माउथ में देखा था इंजेक्शन, यानी कि फूड को अंदर लेना, माउथ से फूड को अंदर लेना, एंड यहाँ है इजेक्शन, यानी कि हमारे बॉडी में से फूड मिनरल्स को, सॉरी, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बाहर निकालना। तो ये है टू अपोजिट वर्ड, माउथ इंजेक्शन करता है और लार्ज इंटेस्टाइन ये इजेक्शन करता है। ओके, तो ये थी पूरी प्रोसेस डाइजेशन की। सो हम डायग्राम के हेल्प से देखते हैं। सो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज माउथ। माउथ टेक्स इन द फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, द फूड इज चिव्ड प्रॉपरली, राइट, एंड द सलाइवा इज मिक्स्ड विद द फूड, एंड सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड। Then the role of tongue, the tongue mixes the saliva with the food and tongue pushes the food into food pipe, and food pipe is known as oesophagus, and tongue also helps us to recognize the taste. Now oesophagus
with the help of oesophagus, the food is passed from mouth to the stomach, right? The food travels through oesophagus to reach the stomach. Now, stomach. The food is in the stomach. The food is there for 3 hours, right? The food stays for 3 hours. And the stomach produces digestive juices which helps the food to digest. And also stomach produces some digestive juices which has acid which helps to kill the germs which are in the food or the stomach. Okay. Then the liver. Liver produces bile and this bile is stored in gallbladder until when the small intestine is देखो ओके सो जो गाल ब्लैडर है इट स्टोर्स द बाइल अंटिल नीडेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर स्मॉल नाउ वी विल सी द स्मॉल इंटेस्टाइन नाउ द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड पहुंचता है देन द बाइल एंड दिस इज पैनक्रियासिस सो जो बाइल एंड अदर डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियास हेल्प द फूड टू डाइजेस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन राइट एंड जो भी फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है कम्प्लीटली एंड दिस डाइजेस्टेड फूड इज यूज बाय द सॉरी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड देन Now, large intestine. So, large intestine is also known as colon. And in this large intestine, there are minerals and water, which is absorbed by the blood. And also, the undigested food is passed to the large intestine. And this large intestine, with the help of water, it makes the paste of the undigested food, which is secreted with the help of anus by the feces and this process is known as ejection so is tarike se digestive system work karta hai digestion perform karne ke liye so abhi humne dekh liya ki digestive system work kaise karta hai so ise aapko read karna hai again and then hum next video mein dekhenge next topic so thank you